एक धार्मिक सब के तरह से धर्म में हम लोग का पिंडदान होता है। आप देख रहे हैं केवल किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदी में किया स्नान। लोगों का कहना है कि ये आस्था से जुड़ा पर्व है और इसमें मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें खाने की तरह तरह की मिठाइयां और सामग्री मिलती है और लोगों का यहां पर दूर दराज से आना होता है और लोग यहां घूमते हैं। मेले और पर्व को लेकर बरचंदी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र प्रसाद और तातपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रसमुद्दीन फैज ने पर्व को लेकर कई विशेषताएं बताई है। ये कौन सा मेला है और कब कब मनाया जाता है? मेला माघी पूर्णिमा जो होता है हम लोगों का पिंडदान होता है, उसी पिंडदान के शुभ अवसर पर ही मेला का आयोजन रखा गया था। 2013 से स्थापना है, 2013 से अभी 2024 चल रहा है, 11 साल हो चुका है। बरचंदी में कितने गांव के लोग यहां पर आते हैं? बरचंदी में खारुदा है, जीरनगाछ है, बरचंदी है, यानी 3-4 पंचायत मिला करके ही मेला का आयोजन है और 4 पंचायत मिला करके लोग आना जाना करते हैं और अच्छा माहौल मिलता है, सारा चीज भी मिलता है। यह मेला परंपरागत तरीके से ही मनाया जा रहा है? जी, सनातन धर्म में हम लोग का पिंडदान होता है, वो पिंडदान के आलोक में ही मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पिंडदान भी होता है, उस तरफ से मेला भी का आयोजन रखा गया है, मेला में घूमता भी है। ये मेला कब से लग रहा है और इस मेला का विशेषता क्या है? ये देखिए, ये तो माघी पूर्णिमा के अवसर पे लगता है। जैसे कि सनातन धर्म में ये आस्था है कि जहाँ नदी उत्तर की तरफ मतलब जाता है, जिसे उत्तरासुख कहते हैं, वो पवित्र पानी होता है, तो यहाँ जमुना नदी उत्तर की तरफ अपना बहाव जो कर रहा है, तो वहाँ ये सबसे पहले यहाँ जो मलिक परिवार के हैं सखी चंद राम था उनका, उन्होंने ही इस मेला का शुरुआत किया था और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है मेला अग्रसित है, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मेला लगता है, तो ये धार्मिक सब के तरह से इस मेला पर कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पर जी? यहाँ से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग नेपाल के ही आते हैं, और चूँकि छोटा छोटा मेला तो हर जगह लगता है, लेकिन कुछ विशिष्ट लोग जो यहाँ के महत्व को समझते हैं वो लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। आप लोगों के द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर कुछ खास? अब विधि व्यवस्था जहाँ तक हम लोगों का अपना ये है, हम लोग अपना उसमें देख रेख करते हैं और यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन अलर्ट रहता है क्योंकि जमावड़ा होता है तो किसी तरह का भगदड़ न मचे।